क्यों स्टार्स बढ़ रहे हैं सोशल इश्यूज की तरफ, क्या था ब्लैक विडो का मोटिव, किसका हुआ था बधाई दो में पर्दाफाश। एक समय था जब ज्यादातर हिंदी फिल्में महज पैसा कमाने को ध्यान में रखकर बनाई जा रही थी। उन्हें किसी फॉर्मूले की तलाश रहती थी जो बॉक्स ऑफिस पर किसी तरह क्लिक कर जाए और अच्छा पैसा कमा कर दे दे। लेकिन पिछले कुछ समय से समाज सुधार के लिए अवेयरनेस फैलाने वाली फिल्में खूब बनाई जा रही हैं और इसमें बॉलीवुड के बड़े स्टार्स भी हिस्सा ले रहे हैं। फिर चाहे वो थिएटर हो या OTT प्लेटफॉर्म, कुछ फिल्में साथ में कमर्शियल एंटरटेनर भी हैं। इनके माध्यम से लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने के लिए सामाजिक मुद्दों को उठाया जा रहा है। देखिए ऐसी फिल्मों की लिस्ट जो सामाजिक मुद्दों पर रोशनी डालने के साथ साथ हल्की फुल्की कॉमेडी भी और एंटरटेनमेंट भी करती है। OTT पर रिलीज हुई अनपॉज्ड 5 शॉर्ट फिल्मों को मिलाकर बनाई गई है। अनपॉज्ड कोरोना वायरस की थीम पर आधारित है जो सिखाती है कि जिंदगी में हर परेशानी का हल निकाला जा सकता है, चाहे वो कोरोना जैसी महामारी ही क्यों ना हो। फिल्म को राज और DK, निखिल आडवाणी, तनिष्ठा चटर्जी, अविनाश अरुण और नित्या मेहरा ने डायरेक्ट किया है। अनपॉज्ड में आपको सुमित व्यास, ऋचा चड्ढा और अभिषेक बैनर्जी जैसे स्टार्स देखने को मिलेंगे। ब्लैक विडोज में मोना सिंह, स्वस्तिका मुखर्जी और शमिता शेट्टी की जबरदस्त एक्टिंग देखने को मिली थी। फिल्म घरेलू हिंसा से बाहर आकर अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए बता रही है। ब्लैक विडोज एक शो पर आधारित है जिसमें घरेलू हिंसा की शिकार ये तीनों महिलाएं कैसे अपनी जिंदगी अपने अनुसार जीना शुरू कर देती हैं, ये दिखाया गया है। टॉयलेट एक प्रेम कथा। टॉयलेट पर आधारित इस फिल्म में स्वच्छ भारत अभियान की झलक साफ देखने को मिलती है। देश के कई हिस्सों में आज भी महिलाएं खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि सरकारी अधिकारियों बाबुओं की गड़बड़ी के चलते शौचालय का निर्माण अधर में लटक जाता है। ऐसे में फिल्म के मुख्य अभिनेता अक्षय कुमार पर जब इस कुरीति की मार पड़ती है तो वो गाँव में शौचालय बनवाने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं। सुई धागा। फिल्म सुई धागा मेक इन इंडिया अभियान को दर्शाती है। फिल्म के जरिए लोगों तक मेक इन इंडिया के संदेश को पहुंचाने की कोशिश की गई है। फिल्म में अभिनेता वरुण धवन पत्नी अनुष्का शर्मा संग दिन रात मेहनत कर खुद का बनाया हुआ उत्पाद बाजार में लाते हैं। शरद कटारिया निर्देशित फिल्म में मेड इन चाइना उत्पादों पर करारा तंज कसने की भी कोशिश की गई है। पैडमैन। फिल्म पैडमैन बहुत ही संवेदनशील विषय पर बनी फिल्म है। फिल्म अरुणाचलम मुरुगनांथम नामक व्यक्ति की असल कहानी पर आधारित है। निर्देशन R. बाल्की की फिल्म में अक्षय कुमार ने इस व्यक्ति का किरदार बखूबी निभाया है, जो गांव कस्बे की लड़कियों और महिलाओं के लिए सस्ते सैनिटरी नैपकिन तैयार कर उन्हें इसके इस्तेमाल और फायदे के बारे में बताने की कोशिश करता है। साथ ही इसके ना इस्तेमाल करने से होने वाले नुकसान भी इस फिल्म में बताए गए हैं। बधाई दो। 2022 में रिलीज हुई इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म ने होमोसेक्सुअलिटी और HIV जैसे टॉपिक को बेहद खूबसूरती से दिखाया है, जिसमें भूमि पेडनेकर और राजकुमार राव ने काफी अच्छा काम किया है। तो इनमें से आपकी कौन सी फिल्म फेवरेट है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ यहीं इसी चैनल पर। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।